अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर द यूनिट वेक्टर, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 15। ये है ठीक है। तो हमने ये प्रूव किया था कल वाले में कि क्या आएगा ये, या चलो कर लेते हैं, ये डॉट है बीच में, ये क्या है डॉट। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। तो ये दोनों का सेम होते हैं, तो ये हो गया मॉड एक्स का स्क्वायर, ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर, इक्वल टू कितना है 15 है। एक का लेंथ कितना है 1 यूनिट, क्योंकि इन्होंने यूनिट वेक्टर बोला इसको, ठीक है। सो ये कितना हो गया मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15। सो मॉड एक्स कितना हो गया स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। तो मॉडुलस ऑफ एक्स की बात कितनी होगी, 4 यूनिट होगा, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा ये, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू 3 मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 6 एंड कुछ नहीं। फाइंड फाइंड क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सो हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, बाद में रूट कर लेंगे। तो क्या आएगा, ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आता है ना। सो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 2 इंटू 6, ठीक है। 9 4 13 12 25। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस कितना हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का हम स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। वैल्यूज रख दीजिए आप, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 2 इंटू 6, ये हो गया 1। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3 मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 5 एंड मॉड सी वेक्टर इक्वल टू 7, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की प्लस सी वेक्टर हमें कितना दिया है 0, इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस लगा के स्क्वायर कर दो, मॉडुलस लगा के स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर है ना इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया ट्वाइस मॉड ए इंटू मॉड बी 5 और कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल। सी कितना है 7 है, सो कॉस थीटा कितना आ गया 49 माइनस 9 माइनस 25 अपॉन अपॉन कितना होगा भाई ये 5 या 15 30, सो ये कितना हो गया 49 माइनस 9 40 माइनस 25 15, 15/30 1/2, तो थीटा कितना हो गया, थीटा कितना होगा 60 डिग्री, π/3। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, ये इसका एंगल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, आर द यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई टू इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, सो हम लोग करते हैं स्टार्ट, कैसे करते हैं जी स्टार्ट, ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, ये मॉडुलस पता है ना, मॉडुलस का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, मॉड ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड बी कैप का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप बी कैप कॉस इनके बीच का एंगल थीटा, ये हो गया 2, ये हो गया 2 क्योंकि ये और ये कितना है 1 1 है कॉस थीटा, ये क्या आया ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, 2 बाहर लेंगे तो क्या आएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 से 1 खत्म हो गया, कितना आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या आया ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस कितना आएगा 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 आएगा, सो साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस का हाफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला लेते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, ये तो सभी को पता है, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
एंड वी नो दैट कॉस थीटा जो होगा वो वन से हमेशा कम होगा, वन से हमेशा कम होगा. तो क्या आ गया, मॉड ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, उसको मैक्सिमम वैल्यू दे दी हमने. जैसे ही आपने मैक्सिमम वैल्यू दे दी सो इट विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ये हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए, स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर. दोनों साइड से स्क्वायर रिमूव कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. ये हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, अब एक आती है स्वार्ज इनइक्वलिटीज. क्या है, स्वार्ज इनइक्वलिटी. चलो कॉशी स्वार्ज कहते हैं, पूरा नाम इसका क्या है, कॉशी स्वार्ज, SCHSCSWARZ और स्वार्ज इनइक्वलिटी. ठीक है, ये क्या कहता है, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी का जो स्क्वायर होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इनटू मॉड बी का स्क्वायर. देखने में सिंपल ही है, ठीक है ना. हेंस सो दैट क्या शो करना है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर. ये हमें शो करना है, इसका प्रूफ कर लेते हैं जी. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है हमारे पास, भाई ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, सॉरी ए वेक्टर होगा बी वेक्टर और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करते हैं से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर लेस देन क्यों आ गया, इक्वल टू आएगा ना अभी, दैट शुड बी इक्वल टू. ठीक है, अब ये ए डॉट बी का जो स्क्वायर है इट कैन बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर. रीजन क्या है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा वन से ज्यादा नहीं हो सकता. अब क्या करते हैं हम, दूसरा पार्ट है इसको प्रूव करने के लिए. दूसरा पार्ट ये कौन सा है, दूसरा पार्ट कुछ नौटंकी करने लगा. हाँ, लेट ए इक्वल टू, लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप. ठीक है, सो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए. तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी दैट विल बी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री का स्क्वायर हो जाएगा लेस मॉड ए. कितना होता है, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर, है ना, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे खत्म, रूट और स्क्वायर. सिमिलरली क्या हो जाएगा,
B1 square, B2 square और B3 square, ठीक है। तो ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपने प्रूव कर दी, ठीक है। अभी देखिए, एक क्यूबॉइड है आपके लिए, क्यूबॉइड बना के रखा है मैंने, उसको उठा के लाता हूं। बना बनाया था, उसको यहाँ पे शायद पेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। आज नहीं है तो कुछ और ही पेस्ट हो गया। ये है वो, यहाँ पे लाते हैं। आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आया। ठीक है ना। सो ये कोई भी क्यूबॉइड है आपके हिसाब से, ये कोई भी क्यूबॉइड है, ठीक है। इसके डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है, इसके बीच का डायगोनल के बीच का। एक्चुअल में थोड़ा सा इसको दबाना पड़ेगा। अब अच्छा लग रहा है, क्यूबॉइड टाइप का लगने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसकी एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस एक्स वाई जेड जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही ले लेते हैं, लेकिन इसमें लेना जरा टफ पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत हद तक सेट है मामला। ठीक है। सो ये रफली बनाया मैंने, रफली समझिएगा, ये एक्स हो गया और इन्हीं के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं जेड, और ये एक्सिस जो आ रही है हमारी वाई, ठीक है। और इसके नामकरण कर लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है इसने, ब्लैक से लिख रहे हैं। ये पी हो गया, ये क्यू, पी क्यू ए, ये ओ ओरिजन है, ये वाला पॉइंट बी है, ये आर है, ये सी है और ये एस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ अब जरा। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द एंगल बिटवीन, शो दैट द एंगल बिटवीन two diagonals of cube is cos inverse 1/3, ठीक है। सो हम सॉल्व कर लेते हैं। let each side of cube is of length a unit, तो सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएं जरा। सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो a a a होगा, है ना, ये बाहर की तरफ है। c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, c के कोऑर्डिनेट्स, s के कोऑर्डिनेट्स, सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ये क्या होगा 0 0 a, है ना। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए जीरो ए, ठीक। इसमें क्या है, ये किसमें है, जेड एक्स प्लेन पे है, तो जेड और एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई क्या हो गया उसका जीरो एस वाले में। आर में क्या है, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 a a, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, ये हो गया 0 a 0। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए ए जीरो, ठीक है, थ्री डायमेंशनल है, ठीक। मतलब जेड एक्स प्लेन में वाई जीरो हो गया, एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो हो जाएगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। सो हमें एंगल बिटवीन डायगोनल निकालना है, ठीक। सो एंगल बिटवीन डायगोनल मीन्स एंगल बिटवीन OP एंड दूसरा कह सकते हैं अपन, क्या कह दे, OP एक अगर डायगोनल हो गया,
यहां से इधर, तो दूसरा वाला कोई भी एक वर्टेक्स से आप दूसरे वर्टेक्स पे जाए, तो ये लोग गए हैं ओपी और एआर पे, ओपी और एआर पे। एआर क्या हुआ, इधर से ये वाला डायगोनल ऐसे वाला इधर, ओपी क्या होगा इधर से इधर, तो इनके बीच का एंगल। ठीक है, 3D में आप बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। 3D एक बॉक्स ले लीजिए, उसको देखिए इसी टाइप से। सो एंगल बिटवीन डायगनल इज एंगल बिटवीन ओपी एंड ए आर, कोई भी दो डायगनल ले सकते हैं आप, है ना। तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओपी वेक्टर डॉट ए आर वेक्टर अपॉन ओपी वेक्टर का मॉडुलस और ए आर वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, सो ओपी वेक्टर कितना है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप डॉट। ए आर वेक्टर कितना होगा भाई, ए आर वेक्टर, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे भाई, ए 0 0, ए 0 0 होंगे ना ए के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। So, कितना हो गया ए आर, सॉरी हाँ ए आर, सो आर माइनस है, तो क्या आएगा माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप अपॉन अंडर रूट, ये कितना आएगा भाई, 3a² इंटू अंडर रूट 3a². ठीक है, कितना बनता है जरा देख लीजिए इसको, ये आया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर नीचे कितना आ गया 3a². ठीक, सो कितना आ गया ए आर, एक तो गया है ना, सो ये 1/3 आ गया। मैं लाना क्या था, यही तो लाना था, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 इज द डायगनल बिटवीन, इज द एंगल बिटवीन डायगनल्स ऑफ क्यूबॉइड ऑफ ईच लेंथ ए यूनिट। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और लेट ए वेक्टर बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर सच दैट मॉड ए कितना है 1 है, मॉड बी कितना है 2 है, मॉड सी कितना है 3 है, इफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड 3a² माइनस 2b² प्लस 2c² का मॉडुलस, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या दिया है आपको, गिवन मॉड ए वेक्टर 1, मॉड बी वेक्टर 2, मॉड सी वेक्टर 3, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो क्या होता है, एंड बी एंड सी परपेंडिकुलर, बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए ये सब दिया था हमें।
तो चलते हैं, ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये क्या हो गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक, तो मॉड ए खत्म, तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है 0। तो ये तीन ये कंडीशन और ये सब आपको दिया है, हमें क्या निकालना है 3a(-2b)(+2c)। ये ऐसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9a का मॉडुलस +4b का मॉडुलस +4c का मॉडुलस -2(ab) मतलब 6a(-b)। फिर क्या आएगा -2(2)4b(-c)+2(6c)(a)। ये आएगा। अब देखिए a वेक्टर, b वेक्टर, a वेक्टर, c वेक्टर, a वेक्टर, ये इक्वल है, तो ये दोनों गए, और ये क्या है 0 है, तो ये भी गया खत्म। तो कितना हो गया 9, मॉडुलस ऑफ a कितना है 1, 4(4)+4(9) कितना हो गया 9, 16, 36, ठीक, कितना हो गया 25 और 36 से कितना हो गया 61, ठीक। तो 3a(-2b)+2c) विल बी √61, ठीक। यहां तक